मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 8 का अभ्यास पत्रिका करेंगे। कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, आपको उच्चारण करना है। आपको लेसन पढ़ाया है, बैठ के आपको घर पे इसका उच्चारण करना है। दूसरा है उचित पदे रिक्त स्थानी पूरे, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छात्रा गच्छति, छात्र जाता है पाठशाला। सह तत्र पाठान पठति, वह वहां पाठ को पढ़ता है। वयं प्रातः ईश्वरं नमामि, हम सब सुबह ईश्वर को नमस्कार करते हैं। छात्रा कविता स्मृति, छात्रा कविता को याद करता है। पथिके पुष्पाणि पश्यति, जो यात्री है फूलों को देखता है। तो ये सारी कौन सी विभक्तियां हैं, तृतीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्तियां, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुष्पाणी देखो, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, यानी फूल बहुत सारे हैं इसलिए पुष्पाणी आ गया। वयम देशम रक्षा में, हम देश की रक्षा करते हैं। बाल है अम्बाम बिना क्रदंती, बालक जो है माता के बिना रोता है। आगे देखिए, उचित पदे रेगिस्तानी पूरे, देव देवो देवा, ये इसके शब्द रूप है। देवम देवो देवान, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, पत्रम पत्रे पत्राणी, बीजम बीजे बीजाणि। इसी तरह प्रश्नानुत्तर, त्वं कान पश्यसि, तुम किसे देखते हो। अहम वृक्षान पश्यामि, मैं वृक्षों को देखता हूँ। वयम काम रक्षा में, हम सब किसकी रक्षा करते हैं। वयम सीमां रक्षा में, हम सब सीमा की रक्षा करते हैं। प्रभा कम स्मृति, प्रभा किसे याद करती है। प्रभा श्लोकम स्मृति, प्रभा श्लोक को याद करती है। अब एक पद में इसका उत्तर देना है, एक पदे उत्तर। माधव अम्बाम च कुत्र गच्छति, माता अम्बा, माता और माधव जो है कहाँ जाते हैं, दिल्ली नगर। अग्रजा कुत्र गच्छति, बड़ी बहन कहाँ जाती है, महाविद्यालय। माधव का स्मृति गायती च, माधव जो है किसे याद करता है और गाता है श्लोका। मातुले माधव का श्रावति, मामा जो है माधव को क्या सुनाता है, कथा। माधव मातुलम का श्रावति, माधव मामा को क्या सुनाता है, हास्य कणिका, चुटकुले। कम बिना जीवनम नास्ति, किसके बिना जीवन नहीं है, वृक्षों के। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो आपको मैथ्स करना है, पुष्पाणि विकसन्ति, मातुलः श्रावयति, अहं स्मरामि, पवन वहति, स कथयति। उचित विशेषण पदे रेगिस्तानी पूरे, शीतलः पवन ठंडी हवा, विविधान वृक्षान अनेक प्रकार के वृक्ष, मनोरंजक कथा मनोरंजक कहानियां, विविध वर्णानि पुष्पाणि अनेक रंग के फूल, मनोरम उद्यान मनोहर उद्यान, और मधुरानी गीता मधुर गीत। संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करो। वह कला और विज्ञान पढ़ता है, सा कला विज्ञानम से पढ़ती। मेरी माता गीत गाती है, मम माता गीतम गायती। छात्र विद्यालय जाते हैं, छात्र विद्यालय गच्छन्ति। बच्चा दूध के बिना रोता है, बाल है दुग्धम बिना क्रदन्ति। तुम पक्षियों को देख रहे हो, त्वार त्वम खगान पश्यसि, पवन के बिना जीवन नहीं है, पवनम बिना जीवनम न अस्ति। ये इसकी अभ्यास पत्रिका है। शुद्ध पदों को आपको लेसन पढ़ा दिया गया है, शुद्ध शब्द आप खुद ही करेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा लिखते किं करोति, चित्रकाय चित्रं, चित्रकारा किं कुर्वन्ति, चित्रकाय चित्रं रचयन्ति, लेखिका पुस्तकानि लिखन्ति, लेखिका किं करोति लिखन्ति, लेखिका पुस्तकानि लिखन्ति। ललने किं वाद्यते, स्त्रियां क्या बजा रही है, ललने वीणां वाद्यते, स्त्रियां जो है वीणा को बजा रही है। नारायण समाचार पत्रम पढ़ती, आदमी जो है क्या पढ़ता है, आदमी समाचार पत्र पढ़ता है। सैनिक काम रक्षन्ति, सैनिक किसकी रक्षा करते हैं, सैनिक सीमां रक्षन्ति।
बालक कान पश्यति, बालक किसे देखते हैं, बालक मत्स्यान पश्यति, छात्रा कम सुनती, छात्रा पाठम सुनती, बालिका कुत्र गच्छति, बालिका उद्यानम गच्छति। वाक्यों में कर्ता और क्रिया बताना है आपको कि कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन सी। सह माम संस्कृत अपि पाठयति, वह मुझे संस्कृत भी पढ़ाती है। सा कर्ता और पाठयति क्रिया। आवाम परस्पर हसा वह, आवाम कर्ता और हसा वह क्रिया। पवन अपि शीतल शुद्ध च अस्ति, पवन भी शीतल और शुद्ध है। पवन क्या है, कर्ता और अस्ति क्रिया। पुष्पाणि उद्यानम मनोहरम कुरुन्ति, फूल जो है उद्यान को मनोहर करते हैं। पुष्पाणि जो है फूल तो कर्ता और कुर्वन्ति क्रिया। पठात विशेषण पदानि चित्वा विशेष पद से निंदित, एक अधिकारी विशाल उद्यान शुद्ध पवन, ये इसकी विशेषता है। विविध वर्णानि पुष्पाणि, विविधान खगान, विशालान वृक्षा। अव्यय पदों को भरना है। वयम सर्वदा सत्य बताना, हम सब हमेशा सत्य ही बोलते हैं। यदा सूर्योदय होती तदा अहम व्यायाम करूं, जब सूर्योदय होता है तब मैं व्यायाम करता हूँ। तत्र कोलाहल किमर्थमपि, वहां शोर किस लिए होता है। छात्र है प्रातः कि विद्यालय गच्छन्ति, छात्र जो है सुबह विद्यालय जाते हैं। तमाम प्रकाशम बिना कथम पठसि, तुम प्रकाश के बिना कैसे पढ़ोगे। यहाँ पे चक्र सा दिया हुआ है, इसके अंदर से आपको वाक्य लेने हैं और वाक्य की रचना करनी है। जैसे सूर्य प्रकाशम और यच्छति, सूर्य प्रकाशम यच्छति। अहम पुस्तकम वांछसि, सूर्य प्रकाशम यच्छति। अहम स सॉरी सेकंड है, स गीतम गायति, वह गीत को गाती है। अहम पुस्तकम वांछसि, मैं पुस्तक चाहता हूँ। सुधा आचार्य नमति, सुधा आचार्य को नमस्कार करती है। ते नाटकम पश्यन्ति, वे सब नाटक को देखते हैं। छात्रा तबला वादयति, छात्र जो है तबला बजाते हैं। बाला दुग्धमिना क्रदन्ति, बालक जो है दूध के बिना रोता है। त्वं वाटिकां गच्छसि, तुम बगीचे में जाते हो। बच्चों आशा है आपको यह लेसन समझ आया होगा, घर पे रहके इसे अच्छी तरह से पढ़िए। थैंक यू।